जनपद मुजफ्फरनगर में शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य पर कारगर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में पधारे राज्य मंत्री कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन कपिलदेव अग्रवाल द्वारा ही माता सरस्वती की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भजन गायक टोनी गोस्वामी एवं मंडली द्वारा प्रस्तुत भजनों पर राज्य मंत्री कपिलदेव अग्रवाल द्वारा भी भक्त विभोर होकर माँ दुर्गा का भजन किया गया। नवरात्रि के शुभ अवसर पर कारगर में धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए कारगर प्रशासन की प्रशंसा करते हुए मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने अपने संबोधन में बंदियों से कहा कि सभी भाई बंदियों पर माता दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे तथा माता की कृपा से सभी शीघ्र अपने परिवार में पहुंचे तथा अपराध जगत से मुक्त होकर अच्छा जीवन जिए। टाइम ब्रेक न्यूज शरी के लिए पवन अग्रवाल मुजफ्फरनगर। सर आज जेल परिसर के अंदर धार्मिक आयोजन है, क्या बोला? देखिए आज नवरात्रों की शुरुआत हुई है। प्रथम दिवस पर बंदियों के धार्मिकता को आयाम देने के लिए माता की चौकी का आयोजन किया गया था, जिसमें बंदियों के लिए भजन और इस तरह के धार्मिक संगीत का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे माननीय राज्य मंत्री कौशल विकास कपिलदेव अग्रवाल जी भी उपस्थित रहे और सभी बंदियों ने इस आयोजन को भरपूर आनंद के साथ इसमें प्रतिभाग किया। और जो व्रत रह रहे हैं करीब का बहुत सारे बंदी यहाँ, चूँकि सभी संप्रदायों के बंदी हैं, सभी लोग निरपेक्ष भाव से व्रत में प्रतिभाग कर रहे हैं, नवरात्रों का व्रत रह रहे हैं, तो इनसे एक सांप्रदायिक सौहार्द का भी एक मिसाल यहाँ से जाती है। साथ ही इस तरह के आयोजनों का एक उद्देश्य रहता है कि बंदीगण जो यहाँ जेल में हैं, जो कि सुधार की संकल्पना के साथ हैं, तो निश्चय अपनी मानवीय गरिमा के साथ अपने हर त्यौहार को मना पाएं और साथ ही साथ अपनी सुधार की प्रक्रिया को सकारात्मक आयाम दे पाएं। जैसे नवरात्रे पूरे 9 दिन चलते हैं, किस तरह की और आगे आयोजन होंगे? देखिए जो प्रतिदिन हैं बंदी जो व्रत रहे हैं उनके लिए वो अपना जो भी हवन कर सकते हैं, साथ ही साथ जो पूजा पद्धति है उसको सब पूजा पाठ की सारी सब लोगों को इसके लिए उनको जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो भी प्रदान की जाएंगी और इसके लिए सब उचित माहौल इस तरह का बनाया गया है कि वो पूरी तरह से नवरात्रों के व्रत को विधि विधान से कर पाएं। सर क्या व्यवस्था की गई बंदियों के लिए जो व्रत रखे हुए नवरात्र का? देखिए जेल मैनुअल में इसकी प्रोविजन है कि उनको क्या डाइट दी जाएगी, उस निर्धारित पूरी डाइट दी जा रही है जो व्रत में रहती है, जिसमें फल हैं, दूध है और इस तरह की जो सामग्री शक्कर है, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है।